हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 सॉइल का टॉपिक था, लेयर्स ऑफ सॉइल तक कंप्लीट कर लिया था। और जो हमारा नोट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी जो मिट्टी के टाइप्स हैं मितनी कितनी टाइप की होती है वो है। बेटा जितनी भी जो मिट्टियाँ होती हैं बेटा वो एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती हैं। वो ग्रेविटी के आधार पर, कलर के आधार पर, उनके टेक्स्चर के आधार पर, उनको क्या बेटा तीन कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। तो बेटा जो फर्स्ट जो हमारी मिट्टी होती है, क्ले होती है, वो कौन सी होती है बेटा? क्ले शेल। सेकंड होती है सैंडी सॉइल, और थर्ड होती है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल समझते हो, जो गांव बोलते हैं ना चिकनी मिट्टी, चिकनी बलुई मिट्टी को लोमी सॉइल बोलते हैं। सैंडी होती है रेतीली से, और क्ले मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है, इसमें बलुई मिक्सचर नहीं होता है। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है बेटा देखो। इट इज़ सम स्मूथ एंड सॉफ्ट टू टच, ये इतनी स्मूथ होती है जो आसानी से टच कर सकते हैं। सैंडी सॉइल क्या होता है? इट इज़ मोस्टली मेड ऑफ रफ एंड सैंड, रफ सैंड पार्टिकल। इसमें जो रेतीले जो कड़ होते हैं उनसे बहुत रफ तरीके से बनी हुई होती है। और लोमी सॉइल में बेटा क्या, सैंडी और क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी दोनों क्या होती है, मिक्स होती हैं। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ सच सॉइल आर वेरी स्मॉल एंड कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर इन इट। इसमें इतने पार्टिकल होते हैं बेटा छोटे छोटे कि वो आसानी से पानी को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, होल्ड हो जाते हैं। दे आर लार्ज इन साइज एंड वाटर इजली पासिस थ्रू देम। और बड़ा सैंडी सॉइल में क्या होता है, जितने बड़े इसके पार्टिकल होते हैं इतने बड़े होते हैं कि इसमें वाटर इजीली प्रोसेस क्या एक दूसरे से पास आसानी से हो जाता है। और लोमी सॉइल में इट होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एक्सेसिव सीप्स अंडरग्राउंड, और इसमें अभी पानी की जो मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल। जो बड़ा क्ले सॉइल में क्या होते हैं, प्लांट्स ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं होते, उनकी जो रूट होती है, जड़ें होती हैं, सांस नहीं ले सकती हैं। और सैंडी सॉइल में क्या होता है बेटा, जो प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी ग्रो नहीं होते हैं। लेकिन लोमी सॉइल में क्या है सर बेटा, जो बहुत तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। जो बेटा क्ले सॉइल होती है वो आपको नदियों के किनारे मिल जाएगी, और लोमी सॉइल जो होती है बेटा वो समुद्रों के या राजस्थान में पाई जाती है। बेटा जो क्ले सॉइल होती है बेटा, ये आपने देखा होगा खिलौने बनाने में या जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें बनाने में इनका यूज किया जाता है। एंड देन वेक्ड एट हाई टेम्परेचर टू मेक इट, और इनको कठोर बनाने के लिए क्या कर दिया था, इनको बहुत हाई टेम्परेचर पर तापमान पर गर्म किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो पॉटर होते हैं वो मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं वो बेटा क्ले सॉइल से ही बनता है। बड़ा सैंडी सॉइल में बेटा क्या होता है, सैंडी सॉइल से हम सीमेंट ग्लास बना सकते हैं। और बड़ा लोमी सॉइल से क्या होता है बेटा, लोमी सॉइल हमारी जो उसकी लेयर होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और जो भी जितने पेड़ पौधे होते हैं वो इस लोमी सॉइल में बहुत अच्छे से बड़ा क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब बड़ा पढ़ते हैं सॉइल एंड क्रॉप्स, यानी इन सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। जो बड़ा सैंडी सॉइल में बताया था क्या होता है, जब आप जो रेगिस्तान एरियाज होते हैं वहाँ पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। जो बीच एरियाज होते हैं, आपने समुद्र बीच देखे हो ना, जो बीच के पास जो मिट्टी होती है वो सैंडी सॉइल होती है। यहाँ पर कौन कौन सी बड़ा क्रॉप्स हो सकती हैं, देखो पीनट्स, स्वीट पोटैटो, ककम्बर्स, मेलन, ये इस तरह की जो बेटा क्रॉप्स होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इस यहाँ पर अच्छे से ग्रो करती हैं। नेक्स्ट आता है लोमी सॉइल बेटा। लोमी सॉइल बताया मैंने कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और इसमें कई सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक तत्व होते हैं बेटा। और जो बांग्लादेश में इस तरह की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो वहाँ की मिट्टी है मोस्टली वो कैसी है, लोमी सॉइल की मिट्टी है। और इस सॉइल को बेटा आइडियल सॉइल भी कहते हैं। और इस सॉइल में देखो बहुत काफ़ी ज़्यादा सैंड भी होता है, क्ले भी होता है बेटा, स्टिल्ट भी होता है, और ये तीनों जो होते हैं एक ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट में होते हैं। और यहाँ पर किस तरह की काइंड क्रॉप बड़ा ग्रो करती हैं, पैडी धान समझते ना, जूट, व्हीट, ऑनियन, पोटैटो, वेजिटेबल्स, मेज, पी, मस्टर्ड, इस तरह के जितनी भी बड़ा क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से ग्रो करती हैं। नेक्स्ट बेटा आता है हमारा सैंडी लोम सॉइल। और इस साल की जो बड़ा इसमें क्या होता है, इसमें लोम सॉइल में सैंड यानी रेत की ज़्यादा मात्रा होती है, तो वहाँ पर रेड इस टबैको इस तरह की ग्रो बेटा क्रॉप्स करती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा क्ले सॉइल। द अमाउंट ऑफ सैंड इज़ वेरी लो इन दिस सॉइल। जो इसमें बेटा सैंड की जो मात्रा होती है, रेत की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और इसमें थिकनेस भी बहुत ज़्यादा होती है विद पानी की। मैंने देखा ना इसमें जो क्ले सॉइल जो चिकनी मिट्टी होती है पतली पतली गीली गीली टाइप की होती है, जब जो बेटा जब ड्राई हो जाती है सूख जाती है तो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है। और ये जो क्ले सॉइल है बेटा ये हमारे क्रॉप्स के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है।
और नेक्स्ट बेटा आता है क्रॉप्स ग्रो वेल। आपको पता है कि जो फसलें होती हैं उनको उपजाऊ होने के लिए फर्टाइल ज़मीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन क्या होता है बेटा, अपने चैप्टर पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, यानी कि हम फर्टिलाइजर का यूज़ क्यों करना चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट्स कलेक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोल। हमने कल पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा क्या, कि जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी से क्या लेते हैं बेटा, न्यूट्रिशंस लेते हैं, और दिस न्यूट्रिशंस कम आर्टिफिशियल फ्रॉम फर्टिलाइजर्स। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं बेटा, ये वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, वो कहाँ से आते हैं, फर्टिलाइजेशन खाद से आते हैं। हमने देखा होगा जब हम एक ही खेत में एक जैसी फसलें करेंगे तो क्या होता जाता है, उसकी जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है बेटा, वो क्या कम होती जाती है। तो इसी फर्टिलिटी को कम ना करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, जिससे उस खेत की उस ज़मीन की बेटा जो फर्टिलाइजर फर्टिलिटी होती है वो बनी रहे और जो फसलें हैं वो अच्छी तरह से ग्रो करती रहें। ये दो टाइप के होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और मैन्यूर से खाद भी कहते हैं। अब ठीक है बेटा, आज हमको इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कल क्लियर करेंगे।